अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं एक बैंक में। किसी ने क्लाइंट ने आउट ऑफ से पेमेंट भिजवाई है, तो उसको कलेक्शन के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन आज का दिन कैसा रहा। तकरीबन एक क्लाइंट ने पेमेंट भेजी हुई थी पहले, ठीक है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स ठीक नहीं थी। उसके आजकल ना चैनल पे बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे हैं, तो इस वजह से हमें खुद भी समझ नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें। और उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। तो अभी तो पहर का टाइम हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं। मैं आपको एक बाहर की वैली वगैरह दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, ये वही रोड है जो मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में दिखाया हुआ था। ठीक है, ये इसका जो सामने वाला घर है ना, ये एक बंदे ने आज सुबह ही परचेज़ की हुई है। तकरीबन इसकी काफ़ी अच्छी वेल्थ भी है और इसने अच्छे खासे अमाउंट में इसे परचेज़ किया है। अभी जो मैंने आपको जो घर दिखाया, वो तकरीबन आज सेल हुआ है। तकरीबन मेरे ख्याल से 70 लैक्स प्लस। और क्योंकि यहाँ पर अभी न्यू आबादी हो रही है, तो काफ़ी रेट लो है। तकरीबन कुछ महीनों बाद इसका रेट दुगना हो जाएगा। अच्छा, ये इनका मेन रोड है, ठीक है। और मैं दोपहर ना इसकी बात कर रहा था कि ये साइमा सदफ वाली हॉस्पिटल है, जो तकरीबन इधर का काफ़ी मशहूर है, और इधर मतलब हॉस्पिटल्स बहुत ही नज़दीक ही है। ठीक है, ये वो फैक्ट्री है जिसकी मैं बात कर रहा था कि इनकी सारी मलकियत है। और ये वो हॉस्पिटल है, मैं सुबह आया था लेकिन इधर लोग काम कर रहे थे ना, तो इस वजह से। ये इनके नीचे बेसमेंट है और ये वाली सामने इनके हॉस्पिटल बन रहा है। तकरीबन एक कनाल के एरिया पे ये बन रहा है, आप देख सकते हैं पीछे ही है। ठीक है, इधर साइड पे और ये कुछ दुकानें हैं, स्टोर है, सही है। तो इन स्टोर्स की भी कीमत चेंज है काफ़ी ज़्यादा। हमने इसकी कीमत पूछी थी 50 लाख प्लस, वो एक स्टोर की बात कर रहे थे, लेकिन हम क्या करें, इधर के जो मजबूर लोग होते हैं वही परचेस कर लेते हैं। लेकिन ये कामयाब नहीं है क्योंकि टाउन में स्टोर वगैरह की कोई हैसियत नहीं होती। और बाकी इंशाल्लाह अभी के लिए तो इतना काफ़ी है। मैंने आपको ये दिखाई, नेक्स्ट में हम मिलते हैं बैंक की तरफ। जो इधर से आउट ऑफ जाएंगे ना, तो आपको दूसरी सड़क देखने को मिलती है, मैं आपको पार्ट 2 में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।